हमेशा जब हाथ देख करके बोलता था ब्राह्मण या पंडित, इस हाथ में कुछ भी नहीं है, इसकी जिंदगी साधारण होगी। अगर आपके अंदर में हौसला है, अगर आपके अंदर में हिम्मत है, अगर हाथ में आपके अगर लकीर नहीं है गाड़ी की, अगर आपके हाथ में लकीर नहीं है अच्छे गाड़ी की, घर की, विदेश ट्रिप का, तो चाकू उठाइए और लकीर को बदल दीजिए। अगर इसी लकीर पर सब कुछ टिका हुआ है तो, अगर ये दम है तो आप भी बदल सकते हो। किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है। अगर लकीर का ही खेल है तो लाओ चाकू, मैं इसे बदल देता हूँ। कुछ नहीं है लकीर में। अगर बदलता है जिंदगी तो फिर लकीर से नहीं बदलती है मेरे दोस्त, बदलती है जिंदगी तो हौसला से बदलती है और दम से बदलती है। अगर ये हौसला है तो दम है तो आपका सब कुछ है। सपना देखने के लिए बातें होती है। हम लोग प्रोजेक्ट में सपना बहुत बड़ी बातें बहुत होती है। सपना देखो, क्या सपना देखेंगे? सपना क्या देखे? घर रात में मैं सोया हुआ हूँ, मेरे बहुत अच्छी गाड़ी हो रही है, बहुत अच्छा बंगला है मेरे पास में, हीरोइन से मेरी शादी हो रही है, सुबह उठ रहा हूँ तो खुद डर लग रहा है। सपना ऐसा देखना है मेरे दोस्त कि मुझे नींद ना आए, इस तरह की सपना देखना चाहिए। जैसे सुजय राय ने हजारों लोगों को दिखाया, जैसे एसपी सिंह को दिखाया, आज तक उसे नींद नहीं आती है। सपंदा को दिखाया, आज तक नींद नहीं आती है। मुझे दिखाया, आज तक नींद नहीं आती है। बहुत कुछ करना है। सपना उस तरह का देखना है कि नींद ना आए, नींद उड़ जाए, उस तरह की सपना है। ये स्मार्ट वैल्यू है। आज लाखों हजारों की बात नहीं होती है। और बोला जाए सिर्फ पैसा ही इनकम नहीं किया। आज यहां पर लड़के लोग आकर के बोल रहे थे विदेश। मेरा पासपोर्ट बनाया हुआ, मैंने अपना पासपोर्ट का रिन्यू करवाया हूं लास्ट महीना में। रिन्यू करा के मैं दुबई और टर्की गया था घूमने के लिए। मैंने मुझे विदेश जाना था, ये मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था। मुझे टारगेट था कि मेरा घर का बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था। मैं तीन भाई एक बहन, मैं सबसे बड़ा। मैं बेलघरिया मेस में रहता था। ना ठीक से हिंदी बोलने आती है, ना ठीक से बंगला बोलने आता है। सभी लोग जितने हिंदी वाले हैं दिल्ली जाते थे पढ़ने के लिए। मेरी किस्मत मारी थी, मेरी सोच कहीं ना कहीं मरी हुई थी, तो मैं कलकत्ता पढ़ने के लिए आ गया। तो बेलघरिया में रहता था, ना ठीक से एक ट्यूशन भी खोजा, एक तो मिला टाइमली नहीं गया, उसने भी हटा दिया। तो एक चीज था, 4000 रुपये हर महीना खर्चा होता था। 4000 रुपये मुझे पिताजी भेजते थे। इनकम क्या थे? आप लोग की भाषा में बोला जाता चासबास। हमारे पिताजी खेतीबाड़ी करते थे। जब वो 4000 रुपये भेजते थे ना, तो खुद को कभी कभी ना घृणा हो जाती थी अपने आप से। खुद को घृणा हो जाती थी, क्या राजू सिंह तुमने जन्म लेकर के बहुत अच्छा काम किया, आज तुम्हारे चलते तुम्हारा छोटा भाई एजुकेशन नहीं ले पाया, आज तुम्हारे चलते तुम्हारा बहन ग्रेजुएट नहीं कर पाई, क्या तुमने जन्म लेकर के बहुत अच्छा काम किया। कभी कभी अपने आप से घृणा होता था, हे भगवान मुझे भेजा तो इस धरती पर क्यों भेजा। कुछ ऐसा एक रास्ता दे, कुछ ऐसा एक प्लेटफॉर्म दे जिन्होंने मेरे लिए सैक्रिफाई किया, जिन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ त्याग किया, उन लोगों के लिए मैं कुछ कर पाऊं। उसी भगवान ने मुझे स्मार्ट वैल्यू दिया। आज जिंदगी पूरी बदल गई है, आज पूरी जिंदगी बदल गई है, पूरी बदल चुकी है। तो उस समय लगता था कि कुछ करना है। जैसे सपंदा और एसपी सिंह बोल रहे थे, करने के लिए कारण खोज निकालने पड़ेंगे। स्मार्ट वैल्यू करो। क्यों करेंगे? क्यों कीजिएगा स्मार्ट वैल्यू? बाहर जाइएगा, दो चार आदमी हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, हवा निकल गई। स्मार्ट वैल्यू करूंगा, घर बनाऊंगा, फॉरेन ट्रिप जाऊंगा, विदेश जाऊंगा, हवा निकल गया। आज जैसे मैडम बोल रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज घर में सब दरवाजा बंद हो चुका है, खिड़की बंद हो चुका है, एक ही दरवाजा खुला है स्मार्ट वैल्यू का। उनका कारण क्लियर है, क्यों करना है उनको। तो कारण खोज करके निकालना पड़ेगा। जब तक आपके पास स्ट्रांग कारण नहीं रहेंगे, वो तब तक आप नहीं कर पाओगे प्रोजेक्ट में। आपका कारण मेरा कारण अलग हो सकता है, इनका कारण अलग हो सकता है। कारण आपको खोजना पड़ेगा, ये आपके अगल बगल में ही कारण है। आज मैं अपने बीवी को लेकर के, क्या होता है, चलो दुर्गा पूजा है, बीवी को लेकर के कहाँ चला, दुर्गा पूजा घूमने चलने के लिए चले गए। कहाँ चलना है? साउथ में दुर्गा पूजा घूमने चलना है। गड़ियाहाट दुर्गा पूजा घूमना जाना है, कॉलेज स्ट्रीट दुर्गा पूजा घूमना जाना है। बीवी निकलने से पहले 1 घंटा मेकअप की है जाने के लिए। कभी कभी मौका मिलता है ना बाहर जाने का। किस में लेकर के जाते हैं? उस बस में ले जाते हैं जिस दुर्गा पूजा में पैर रखने के लिए जगह नहीं है, उसमें अपने बीवी को, भाई को, बहन को लेकर के हम लोग जाते हैं, बूढ़े माँ बाप को लेकर के जाते हैं।
मैं जब बेलघरिया से आता था पूजा घूमने के लिए, उसमें अगर बाप किसी किसी ट्रेन के डब्बे में उठ जाओ तो पता नहीं चलता था मेल कौन है फीमेल कौन है, उसमें भी लोग बोलते एक तू भीतरे चले जाना, ए बाबा एक तू झुके जाना चले जा भीतरे, ए माँ बंगला ठीक से नहीं होता कुछ गलती हो तो समझ लेना आप लोग, माँ एक तू भीतरे चले जा, शर्म नहीं आती है रे भाई, क्या ये करने के लिए कारण नहीं है? हंसने की बात नहीं है, तुम्हारी बीवी चलेगी उसी में बोलोगे एक तू ढुके जा बाबा तू चले जा माँ आएगी, तो क्या करने के लिए कारण नहीं है? खोजना पड़ेगा। अगर राजू सिंह की पत्नी अगर घूमने जाती है तो 23 लाख के गाड़ी पर क्यों जाती है? आपकी पत्नी क्यों नहीं जाती है 23 लाख की गाड़ी पर? है दम, इसलिए आप हंस रहे हो। आज भी हंसोगे, कल भी हंसोगे, परसों भी हंसोगे, हंसते हंसते दुनिया छोड़ करके जाओगे फिर भी दीवार पर हंसते रहोगे, हंसोगे, बहुत लोग हंसेंगे, ये दम की बात है। अगर मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपके पत्नी पत्नी नहीं है? जब मेरी बहन बाहर जाती है तो गाड़ी में जाती है, आपकी बहन बहन नहीं है? गर्मी के दिन में जब आदमी बाहर नहीं निकल पाता चेहरा जल जाता है, उसमें मेरे माँ बाप जाते हैं इसी गाड़ी में जाते हैं, मेरे माँ बाप है, आपके माँ बाप नहीं है? क्यों नहीं सोचते हो आप इस तरह? जो माँ बाप हम लोगों के इतना कुछ किया है आप क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि आपके पास में करने के लिए कारण नहीं है। जब हम लोग फॉलोअप करने जाते हैं, हम लोग जब काम करते हैं, जब लोग ना बोलता है, लोग जब हम लोग पर कमेंट करते हैं, लोग हम लोग के साथ खराब बिहेव करते हैं, कभी कभी लगता छोड़ो यार क्या कर रहा हूं, नहीं करना है। लेकिन जब ये चीज देखता था ना कि नहीं करूंगा तो क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा, मेरे भाई का क्या होगा, मेरे फैमिली का क्या होगा ना, तब एक एनर्जी मिलता है, यस करना है करना है करना है जरूर करना है। इसलिए होती है, इसलिए होती है। आज कोई फैमिली पर बुरा नजर डाले ना, उसकी नजर निकाल करके रख दूंगा यहां पर, आप भी निकाल करके रख दोगे। आप जब नौकरी करके जाते हो ना, काम करके जाते हो ना, अपने बच्चे को जब खिलाते हो ना, पूरा दिन भर का थकान चला जाता है। जब बच्चे को ख्याल खिलाते हो ना, प्यार करते हो ना, एक चुम्मा लेते हो ना, लगता है पूरा जिंदगी मैंने दिन का ना पूरा थकान खत्म हो गया। लेकिन अगर उसी बच्चे का अगर तबीयत खराब हो जाए ना और 2 लाख रुपया लगे तो 20 जगह जाकर हाथ फैलाना पड़ेगा, भाई किचु आचे किचु देवी हमारे माँ एक भर्ती आचे मैं भर्ती आचे किचु देवी बाबा, अब देखते देखते तुम्हारे बच्चे का दम निकल जाएगा और मर जाएगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्या ये करने के लिए कारण नहीं है? क्या प्यार करते हो? जुबान से प्यार का कोई दाम है? तुम्हारे सामने तो दिन दिन तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लगता है वो बच्चा दम तोड़ देगा, कुछ नहीं कर पाओगे। जो माँ बाप हम लोग को इतना बड़ा करता है, सब कुछ छोड़ कर अपने खुद नहीं पहनते अच्छे कपड़े, उनको उनको हम लोगों को अच्छे कपड़े पहनाते हैं उन लोग, उन लोगों का अगर कुछ हो जाए ना तो मेरे सामने मेरी माँ दम तोड़ देगी और मेरे बाप दम तोड़ देगा, मैं देखता रहूंगा फिर भी रॉक एंड रोल करता रहूंगा। कहां पर? चौक पर, हड्डा में, चाहे दुकान पर। मेरी 26 साल की बहन काम करती है और मैं चाहे दुकान पर अड्डा मारता हूं क्या? अरे इंडिया पोजिशन टा मने तो भालो नहीं रहा, हेरे जावे पिच पोजिशन टा खराब, एक देखे एक जल मतन मन हो स्विंग करबे बॉलटा स्विंग करबे, इतना जानते हो तुम, इतना एक्सपर्ट हो तुम। अगर इतना एक्सपर्ट हो तुम्हारी बहन क्यों काम करने जाती है और तुम 26 साल का बुढ़ा आदमी चाहे दुकान पर अड्डा मारता है? एक करने के लिए बहाने नहीं है, बहाना खोज कर निकालो। अगर सक्सेस करनी है, अगर ऊपर जाना है, जिंदगी में जितने अरमान है पूरा करना है, सक्सेस कारण खोज करके निकालो। नहीं है तो जन्म लेना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, किसी तरह कोई कारण खोज कर निकालना पड़ेगा, तभी करेंगे आप। आज मैं क्यों करता हूं? हर समय कारण होनी चाहिए। आज मैं क्यों करता हूं? मेरे पास में कुछ कारण है? है कारण। कभी भी ड्रीम क्या होता है, स्टार्ट करते हैं शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। हम लोग का भी ड्रीम है, एक ड्रीम होती है इनकम करने के लिए, एक ड्रीम सेट होता है 1 करोड़ रुपया कमाने के बाद में भी। निर्मल अज्ञा जी ने बहुत अच्छा कहा है, बहता पानी निर्मला में, जो पानी बहती है ना वो निर्मल है, वो स्वच्छ है, वो साफ है, वो सुथरी है। तो जिंदगी में ना जो जिंदगी में जो चलता है ना, निरंतर चलता है, निरंतर चलता है, जिसके सपने मोबाइल के बाद में टू व्हीलर के बाद में 4 व्हीलर होते रहते हैं, उनकी सक्सेस होती है। जो ठहर गया वो मर गया, जो पानी ठहरा हुआ है वो गंदा होगा। आपका आप भी कहीं ठहर गए हो, कहीं रुक गए हो, आपको लगता है बहुत कुछ कर लिया, यू आर फिनिश्ड, हो जाओगे खत्म हो जाओगे, नहीं होने का।
इसीलिए मैं मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगता है, मैंने छोटा क्लास में बहुत कुछ पढ़ा, मुझे याद नहीं, बस एक लाइन मुझे अज्ञा जी का याद है, बहता पानी निर्मल। आप पहाड़ पर जाओ ना, कम पानी रहेंगे, छल 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 करके जाते रहते हैं, लेकिन स्वच्छ रहता है, पियो ना, बहुत मीठा लगता है। तो सपने भी उस तरह के होने चाहिए, रुकने नहीं चाहिए, निरंतर चेंज होते रहने चाहिए। आज मेरे पास में गाड़ी सपना है, नो, घर सपना है, नो, लाख रुपया सपने हैं, नो, प्लेन सपना है, नो, विदेश ट्रिप सपने हैं, नो, कुछ नहीं, ये सपने नहीं है मेरे लिए, ये पूरे हो चुके हैं। विदेश में 8-8 बार घूम करके आ चुका हूं, क्या है विदेश के लिए? जब नौकरी करता था तब बनाया था पासपोर्ट, क्या विदेश जाऊंगा, नौकरी करूंगा, डॉलर कमाऊंगा, तो यहां पर सॉफ्टवेयर फॉर्म खोलूंगा। यहां पर भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके बच्चे ना विदेश में पढ़ते होंगे, वो बोलते होंगे ना, हमार छेलेटा ना बाहरे थाके, ओ मसाय हमार छेले बाहरे थाके, हमार छेले ना बाहरे थाके। इसमें प्राउड की क्या बात है, इतने इतना खुशी होने का बात क्या है कि मेरा बेटा विदेश में रहता है, ये शर्म की बात है। वैसे वैसे गार्जियन को ना मुंह पर काला रंग लगा कर घूमना चाहिए, हमारे छेले ना बाहरे थके, ये रकम थकते हो। क्या क्या बताना चाहते हैं आप दुनिया में, क्या बताना चाहे कि इंडिया में आपकी पेट नहीं भरी तो विदेश वाले के पास में खोल करके आ गए कि देख भाई मेरा इंडिया में पेट नहीं भरा, कुछ डॉलर डाल दे तो मैं भरूंगा, मैं इतना पेटू। हम लोग भी जाते हैं विदेश करने के लिए, यहाँ पर काम करते हैं, हफ्ता दिन के लिए आराम करते हैं, मोबाइल बंद, सब कुछ बंद, क्या शांति, उसमें बीवी का भी फोन नहीं आता, और भी शांति रहता है आदमी, ठीक है, इसको बोलना नहीं है बाहर में जा करके। तो हम लोग भी जाते हैं बाहर में, तो क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग पैसा लेकर, इतना पैसा लेकर डॉलर ले जाते हैं, विदेश में क्या करते हैं, की खावा जिनिस, ए डॉलर करके हफ्ता दिन में आराम से चले जाते हैं इंडिया में। क्या साबित करना गया, हम लोग बाहर पेट नहीं दिखाने चाहते, हम लोग लाचार नहीं है, हम लोग इंडिया में कमा करके विदेश में डॉलर उड़ाते हैं, ये प्राउड की बात है, एक गर्व की बात है। मेरा लड़का विदेश में कमाता है, कौन प्राउड की बात है, जो शर्म की बात है। मेरे को ऐसा लगता है, मैं थोड़ा उल्टा खोपड़ी का आदमी हूँ, थोड़ा उल्टा उल्टा बात जमा दिमाग में आता है, मैं ऐसा ही सोचता हूँ। तो सोचने के लिए तो कारण जैसे खोज करके निकालना है, उतना निकालना है, ये सब नो, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes! करने के लिए जब तक कारण नहीं होंगे भाई, तो लिस्ट बिल्डिंग भी नहीं होगी, इन्विटेशन भी नहीं होगा ना। अब फोन करेंगे, दादा छेले के फॉलोअप करेछिलाम, फेकी करेछिलाम, ना बोले दी यार पार्थ ना मने हच्छे। अरे डिजायर, हम लोग बोलते हैं ना, डिजायर दो तरह की होती है, एक फीमेल डिजायर, एक बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर किसको बोलते हैं, फीमेल डिजायर किसको बोलते हैं, मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। फीमेल डिजायर क्या है, प्रोजेक्ट सुन करके निकला स्मार्ट वाले, या दारून पेची, जाके खुद चिल्ला मोलता पे गेला, बाहर गया, प्लान सुनते सुनते दिमाग में आता है, मामा को ज्वाइन कराऊंगा, साला को ज्वाइन करूंगा, इधर करूंगा, जिसको बोला सभी ने ना बोला, ठुस करके हवा निकल गई, हार मन होच्छे ना पारबो ना रे, ओरा मोटिवेट करे दिए छिले मने होलो, अब नहीं लगता होगा, छोड़ दिया। उसके बाद में देखा स्मार्ट वैल्यू का राजू सिंह आ रहा है, ऐसा भागेगा, जब देखो कभी कभी गांव में रहना, कुत्ता होता है ना, कुत्ता के पूंछ पर पेट्रोल डाल देना, वो इसे दबा करके भागेगा ना, वो ऐसे देख करके आपको भागेगा, अरे बाप रे बाप, राजू सिंह आश्चर्य, किशोर साहब आ रहा है, भागने लगा। बर्निंग डीजल वाले लोग क्या होते हैं, वो जाकर किसी को प्रोजेक्ट बोलते हैं, वो ना बोलता है दिखा दूंगा मैं तुझे दिखा दूंगा। वो अपने जीत को क्या करता है, वैसे उसका जीत जो होता है ना, उसे क्या करता है, उसका जीत में क्या होता है ना, एक बाल्टी और पेट्रोल गिरता है, जैसे एसपी सिंह हुए, और एक बाल्टी पेट्रोल गिरता है तो धधकने लगता है, और बोलता है करके दिखाऊंगा, और एक सच्ची दिखा देता है, सचमुच दिखा देता है। फीमेल डिजायर वाले लोगों का नहीं होता है, जब आदमी ना बोल दिया, एक बाल्टी पानी गिर गया, ठंडा हो गया, आर पार बोला, अरे बाबा हो चुके नहीं होगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है किसके लिए है, बर्निंग डिजायर वाले लोगों के लिए, यस और नो? कोई ना बोलेगा तो क्या करेंगे, उसको दिखा देंगे, इतना जिद रखना पड़ेगा। आज नहीं होगा, लोग पागल बोलेंगे, कोई कुछ बोलता है, बोलने दो, हर आदमी पागल होता है। जो पहली बार कोई सोचा होगा ना कि 1000 किलोमीटर दूर लोग बात करेंगे, बिना तार का बात करेंगे, तो अगर किसी को बोला होगा तो लोग क्या बोले होंगे, पागल हो गया है, 1000 किलोमीटर लोग रहेंगे, बिना तार का बात होगा, पागल हो गया है, जाकर डॉक्टर को दिखाओ। आज लोग बात करते हैं कि नहीं, यस और नो? क्यों बात करते हैं, किसी का सोच है,
किसी का विजन है, किसी का थॉट था, तब पॉसिबल हुआ। इस तरह का रहेगा तभी होगा। ना कुछ नहीं होता है, ना कुछ नहीं होता है जिंदगी में, ना 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 सुनकर के हम लोग बड़े हुए हैं। अब जिंदगी में ना ना नहीं सुना है, बहुत जिंदगी में ना सुना है। अगर किसी का 20 साल है तो 20 साल ना 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 सुना है, 5 साल और काम करो उसके बाद में हाँ 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 सुनना है। स्मार्ट वैल्यू में 5 साल देना पड़ेगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा? हाँ 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 हो जाएगा। अभी क्या होगा, आप जाओगे किसी दुकान में 1000 का शॉट है, खरीदोगे? नहीं यार पार्बो ना, एफोर्ड कुछ ना। अच्छा रेस्टोरेंट में खाना है, खाओगे? नहीं खाओगे, क्योंकि बिल ज्यादा आ जाएगा। 5 साल दो स्मार्ट वैल्यू में, उसके बाद में रेस्टोरेंट में डायरेक्ट जाओगे, खाओगे और 200 रुपया उसको टिप दोगे, पूछोगे बिल कितना हुआ है। क्या होगा? कभी परिवार को लेकर के बाहर निकलोगे ना, वाइफ को लेकर के बाहर निकलोगे तो साड़ी खरीदने जाओगे तो बाप रे बाप 5000 दाम। एटा मन हो तुम्हार गाय आसबे ना, এই আসবে না, তোমার রঙের সঙ্গে ম্যাচ করছে না। এইটা নাও না, এটা হেভি, দারুণ লাগবে। তুমি না একটু লাইট কম হলে আর একটু আর মিষ্টি মিষ্টি লাগবে। এইটা নাও না, 1200 রুপিয়া দামে, পুজকা 5000 রুপিয়া দাম। তো কে হোক, আমার টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার বনে কি জরুরত নেই হ্যাঁ। আচ্ছা ওয়াইফ বলে গি এইটাও ভালো এইটাও ভালো, কি করবো তুমি বলো না কোনটা নেবো। হামলো কে বলতে, এ দুটোই নিয়ে নে ভাইবা, হার পারবো না, দুটোই নিয়ে নাও। কে স্মার্ট ভ্যালু কো 5 সাল দো, উসকে বাদ মে জিন্দগি মে সব কুছ হ্যাঁ 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 হো জায়েগা। बात समझ में आएगी ना? या सुनो और क्या होता है, हम लोग जब हम लोग प्रोजेक्ट में काम करते हैं ना, लोग हम लोग के पास में फोन करते हैं। क्या फोन करते हैं? सर सर इज्जत चला गया, सर सर इज्जत पंचर हो गया, सर आता है कि नहीं? या सुनो, जिसका टीम बड़ा होगा वो जानता होगा, सर इज्जत चला गया, मैं तो थोड़ा देरी के लिए घबरा जाता हूँ, इसके साथ क्या हो गया? अरे बाप रे बाप, अभी दोस्ताना पिक्चर आया था, अभी कानून भी लागू कर दिया, हो ही सकता है कुछ हो ही सकता है। 5 मिनट के लिए मैं भी कंफ्यूज होता था, तो बाद में मालूम चला उसका साला ना कर दिया है, इसलिए उसका इज्जत चला गया। बात समझ रहे हो कि नहीं? साला ना बोल दिया, क्यों साला ना बोल दिया? तो उसको इज्जत में लग गया, जिस अपने भाई को छोड़ करके साला को भाई माना, वो साला ना बोल दिया भैया। अपने माँ को छोड़ करके, अपने पिताजी को छोड़ करके, नई मम्मी को, नई पापा को अपना पापा मम्मी मान लिया। ये बात भी सही है, आप लोग सपोर्ट करना गलत है कि सही है। आदमी का 25-26 साल उम्र हो जाता है तो एक ही माँ बाप को देख करके आदमी बोर भी हो जाता है। यस और नो? नहीं लगता है? ओ बूढ़ माँ, ए कन्ना का चिल्ला चिल्ली कर, खा 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 खा। शादी के बाद में क्या होता है? ए बाबा एक खिए ना, ना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं? यस और नो? अच्छा लगता है। तो उसके बाद में शादी के बाद में क्या होता है? अपना भाई फालतू, साला अमर भाई, अमर भाई अमर, साली मेरा बहन को नहीं, नहीं मम्मी पापा अपना। अरे बाप रे बाप, साला तो ना बोल दिया, इज्जत तो पंचर इसी तरह हो गया, उस पर से मम्मी पापा भी, मैंने नहीं मम्मी पापा भी बोला, एटा फालतू तो हो गया, तो इज्जत पंचर हो जाती है। बोला हम लोग इतना गलत काम करते हैं, इज्जत पंचर हो जाता है, लोग देख करके भागने लगते हैं, लोग चाय दुकान पर चर्चे करते करने लगते हैं। अरे की राजू सिंह नहीं सचे, अरे मायरी बुझते पारछी ना, सबाई के माथा घूरिए दिए छे। चाय दुकान पर बात होता था, बोलिए तो क्या यहाँ पर चेंज हुआ चाय दुकान में? लोग बोलता है सक्सेस नहीं होता है, यही जैसे सक्सेस स्टार्ट हो गया। पहले उसी चाय दुकान पर गांगुली का लेकर के बात होता था, सचिन तेंदुलकर का लेकर के बात होता था, वो लोग साइड राजू सिंह का एंट्री हो गया, सक्सेस हुआ कि नहीं है? ये भी तो सक्सेस ही है। ये सुनो, अरे पहले कम से कम देखो यार, मोबाइल हुआ कि नहीं हुआ, 2-व्हीलर हुआ कि नहीं हुआ, 4-व्हीलर हुआ कि नहीं हुआ, वो बात की बातें हैं। जिस मोहल्ला में रहता हूँ उस मोहल्ला में चर्चा का तो विषय बन गया हूँ। यस और नो? यही सक्सेस है, यही से सक्सेस स्टार्ट हो गया है। तो कोई टेंशन नहीं लेने के, ना होने से इज्जत उज्जत कुछ नहीं जाता है, कुछ इज्जत नहीं जाता है, और किसी का इज्जत भी पंचर नहीं होता है। हम लोग भी, मैंने भी ज्वाइन किया है, आज बोलो तो मैं यहाँ पर क्यों खड़ा हूँ? आज मेरा सक्सेस और भी ज्यादा होता, क्यों नहीं है? कम क्यों है? इसलिए कम है कि मैंने ना बहुत कम सुना है। अगर मैं ना ज्यादा सुना रहता और ऊपर रहता मैं, तो जितना ना सुनोगे उतना सक्सेस होने का है। ना से कुछ नहीं होता है, ना से ना इज्जत पंचर होती है, ना कुछ होता है। अरे सुनिए, अब लोग बोलते हैं ना कि बहुत लड़का लोग ऐसा बोलते हैं, सर जब स्मार्ट वैल्यू में नहीं आए थे ना तभी बहुत अच्छा था, लोग सर कैसे कैसे नजर से देखते हैं, लोग ठीक ठाक बात नहीं करते हैं, कोई कोई देख करके तो भाग भी जाता है, सर बहुत सर खराब लगता है। आप बोलो मैं इतना गलत काम करते हैं हम लोग,
अगर मेरे मोहल्ला में कोई लड़का है तो 10 क्लास तक पढ़ा हुआ है, मैं कंप्यूटर सीखने के लिए बोल देता हूँ, मैं गलत काम करता हूँ? एक ग्रेजुएट होकर लड़का कोई बैठा हुआ है, उसे मैं कोई इनकम का रास्ता दिखा देता हूँ, ये गलत है? इसमें समाज में लेकर के निंदा होती है, लोग डिस्कशन करते हैं, मैं इतना गलत काम करता हूँ? मुझे लगता है दुनिया में लोग बोलते हैं ना, एक मंदिर बनाना बहुत पुण्य की बात होती है। मुझे लगता है ना, एक आदमी को एडुकेशन देना और किसी आदमी को एक टाइम का एक रास्ता दिखाना इनकम का, इसमें दुनिया से इससे बड़ा उत्तम काम कोई नहीं होता है, इससे अच्छा काम कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। अपने काम पर प्राउड फील करना पड़ेगा, तभी संभव है, नहीं तो नहीं है, तभी सक्सेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपको लगना चाहिए कि यस, मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, मैं एडुकेशन रिकमेंड करता हूँ, इस देश में लोग को एडुकेशन की जरूरत है, इनकम की जरूरत है। सरकार आज तक नहीं कर पाई, 62 साल के अंदर में लोगों को एडुकेशन नहीं दे पाई, लोगों को रोजगार नहीं दे पाई, कितना करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा किया। हम लोग वो काम करते हैं, बहुत सक्सेस की, बहुत प्राउड की बात है, हम लोग बहुत बेहतरीन काम करते हैं, ये प्राउड आपके अंदर में आना चाहिए। एक दिन ठीक बोल रहा था शिवू, कुछ दिन के बाद में वहां पर लिखा होगा गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, मैं भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि कुछ दिन के बाद में ऐसा हो जाएगा ना, यहाँ से हजारों हजारों लाखों करोड़ों लोग यहाँ से इनकम करेंगे। सरकार देखेगा कि मैं जो 70 साल 80 साल 90 साल में जो नहीं कर पाया, ये स्मार्ट वैल्यू 20 साल 25 साल में कर दिया, अपना इज्जत बचाने के लिए बोलेगा ये मेरा कंपनी है भैया, मेरा कंपनी है स्मार्ट वैल्यू, दे दो मेरे को, वो ठीक बोल रहा है, हो सकता है। तो इज्जत की बात नहीं होती है। अगर संजय दत्त को, सुनील शेट्टी को शराब का एड देते वक्त टीवी में बोलता है एनर्जी 5000 पीजिए और बर्बाद होइए, बीबी को मारिए, उसमें अगर उसको कोई शर्म नहीं आती है, तो मुझे एडुकेशन रेकमेंड करने में मुझे कोई शर्म नहीं आता है, मुझे प्राउड फील होता है कि मैं एक बहुत बेहतरीन काम करता हूं। अगर ऋतिक रोशन को, सलमान खान को, अगर सुनील शेट्टी को या सनी देओल को जांघिया पहन करके, गंजी पहन करके टीवी में चलने में कोई शर्म नहीं आ रही है, तो मुझे एडुकेशन रेकमेंड करने में मुझे भी कोई शर्म नहीं आ रही है, कोई भी शर्म नहीं है। 100 करोड़ का जनसंख्या, 120 करोड़ का जनसंख्या, अगर सुनील शेट्टी या सनी देओल 120 करोड़ का जनसंख्या इधर देखता है कि जांघिया में कैसा लगता है, 3500 रुपये का जांघिया पहन करके चलता है, उसको शर्म नहीं आती है, मुझे भी शर्म नहीं आती है, मैं बहुत प्राउड से कहता हूँ कि मैं बहुत बेहतरीन काम करता हूँ। अगर एक गलत काम है तो ये गलत काम मैं बार बार हजार बार हमेशा करता रहूंगा, ये काम अगर गलत है तो अपने काम को प्राउड फील करना पड़ेगा आपको, तभी आप कर पाओगे। ये चीज नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे आप, प्राउड फील करना पड़ेगा आपको। लोग बोलते हैं ना से इज्जत चली जाती है, पंचर हो जाती है, क्या क्या बहाना सुनता हूं। कोई तो लोग बोलता है कि सर मुर्गी कर दिया है, क्या कर दिया है, ये सब नया नया वर्ड सुनता है। क्या होता है ना बोलने से भैया, क्या होता है बोलो तो, क्या इज्जत पंचर हो जाती है, थोड़ा बोलो तो मेरे को ना। अरे 800-700 लोग बैठे हुए, थोड़ा जोर से बोलो तो नो। अरे क्या यार, माछ भात खा खेचो, बंगाल में भी तो बोला है, लोग बोलते हैं रॉयल बंगाल टाइगर ना क्या बोलता है बंगाल को, जोर से बोलिएगा नो, वंस अगेन नो। क्या हुआ, 700 लोगों ने मुझे नो बोल दिया, पैर टूट गया, न माथा फट गया, न हाथ से लंगड़ा हो गया, क्या हो गया, कहाँ इज्जत पंचर हो गया रे भाई, कहाँ पर इज्जत पंचर हो गया, कुछ हुआ? ए भाई कुछ नहीं होता है, ना बोलता है तो आज शांति से बैठे हुए हो, अगर सभी लोग हाँ बोलने लगेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं, ये सर नो। अब बोल रहे कि क्या दादा तो बोलवे, तो वो पीछे वाला सोच रहा है ना, दादा तो बोलवे, दादा तो मोटो मोटो आस्ते हरता, एटा भावचो तो यही ना, ठीक है ठीक है। मैं बोला ना कि ना बोलने से बचे हुए हो, तो उसको लग रहा है ना राजू सिंह का तो मोटा मोटा आ रहा है, बोलेगा ही, अब तुम्हारा ही बात धर लेते हैं, सब आदमी हाँ कर रहा है, सभी आदमी हाँ कर रहे हैं, तब क्या होगा, वाह हेवी चेकास में ना भाई, हेवी मोटा मोटा चेकास, चलो भाई तुम्हारा ही बात मान लेता हूँ मैं, सभी आदमी हाँ बोल रहे हैं, जिसको बोल रहा हूँ हाँ बोल रहा हूँ। वो क्या हुआ, एक टेबल कुर्सी लेकर गई सियालदह स्टेशन में बैठ गया, बोला स्मार्ट वैल्यू, लोग लाइन लगा कर ज्वाइन कर रहे हैं। कोई आदमी मॉल के सामने बैठ गया, कोई पेंटालून के सामने बैठ, ओ भाई स्मार्ट वैल्यू, सभी लोग ज्वाइन कर रहे, फॉर्म फेंका रहा है, इधर से फोन लगा रहा है किशोर साहब, अरे प्रसाद जी किधर हैं आप, यहाँ पर 3000 ड्रॉप पड़ा हुआ है, मैं पागल हो गया हूँ, सुबह तक ब्रश भी नहीं किया हूँ यार, जल्दी आकर ले जाओ। प्रसाद जी बोलेंगे यार मैं तो दो ही पैर है, मैं क्या करूँ, मैं तो गाड़ी लेकर के घूम रहा हूँ, अभी एसपी सिंह का 10000 ड्रॉप कलेक्शन करके ला रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ फिर उधर, ठीक है। सब आदमी परेशान हो जाएगा,
उधर से प्रसाद भी बोलेगा मेरे को रेजिग्नेशन दे दो, मैंने को नौकरी नहीं करना है। कंप्यूटर वाला बोलेगा बाबा पार्बो ना बाबा हमारे को ज्वाइन कर दे। ठीक है, अब सब आदमी ज्वाइन कर रहा है। पेट चलाने के लिए कितना चाहिए? खाने पीने के लिए 10,000-5,000 काफी है, यस और नो? सब आदमी स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन कर रहा है, कोई आदमी नाए नहीं बोल रहा है। तो सब आदमी को आया, जैसे मेरा एक ड्रीम कार है मर्सिडीज बेंज, मैं एंडोवर छोड़ने के बाद में मर्सिडीज बेंज ही लूंगा क्योंकि मेरा ड्रीम कार है। तो मेरा भी इनकम आ रहा है, सभी का इनकम आ रहा है, सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो मेरा क्या हुआ, मेरा बहुत ज्यादा इनकम आ गया, तो मैंने अपना ड्रीम कार खरीदा, एकदम काला रंग का मर्सिडीज बेंज। मेरे को तो काला ही पसंद है भैया, क्या करें, रंग भी काला है, बहुत गोरा करने की कोशिश किया नहीं हुआ। बहुत खर्चा भी करता हूँ लेकिन क्या करूँ, अब रहने दीजिए। एक आदमी का इनकम नहीं होगा ना, एक गजटेड आदमी का ऑफिसर का जितना सैलरी नहीं होगा ना, उस काला रंग का चेहरा पर खर्चा करता हूँ फिर भी गोरा नहीं होता है। होप है, आशा है, उम्मीद है, हारा नहीं हूँ, एक ना एक दिन जरूर गोरा हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ, बहुत मर्सिडीज बेंज कार घर लाया। मैंने किशोर से पूछा, अरे किशोर इधर कोई अच्छा ड्राइवर बता तो यार, मर्सिडीज बेंज लाया, बेंच लाया, अच्छा ड्राइवर। अरे तो राजू भाई इधर तो एक ही को अच्छा ड्राइवर है, वो घंसू भाई है ना, बहुत बेहतरीन गाड़ी चलाता है घंसू भाई। मैं पूछते पास से घंसू भाई के पास में गया, मालूम चला कि घंसू भाई का घर है। मैं जोर से चिल्लाया, अरे ओ घंसू भैया थोड़ा निकलना भैया, बाहर से आवाज, भीतर से आवाज आया, हाँ भाई मैं आ रहा हूँ, दो मिनट रुको। दो चार मिनट रुका था, देखा उधर घंसू भाई वो गंजी पहने हुए थे, एक लुंगी पहने हुए थे, खुजलाते हुए निकला। हाँ बोला भाई क्या बात है। हमने भैया सुनिए, आप बहुत अच्छा ड्राइवर हो, मैंने एक मर्सिडीज बेंज एकदम टॉप क्लास का लाया हूँ, आप चलाओ, 10,000 की सैलरी, शनिवार रविवार आपका छुट्टी। घंसू भाई क्या जवाब दे रहा है, अरे भैया मैं तो अभी खा रहा था, खा करके तो मैं भी मर्सिडीज बेंज ही लाने जा रहा हूँ, मुझे भी ड्राइवर की जरूरत है, आप 15,000 लो, आपका शनिवार रविवार आपका भी छुट्टी है। तो बाद में यही प्रॉब्लम होगा, अगर सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे तो यही प्रॉब्लम हो जाएगा, अपना गाड़ी खुद ही चलाना पड़ेगा, कोई चलाने वाला नहीं रहेगा। लोग ना बोलते हैं तो क्या करना, कम से कम आशा रखना है, खुशी मनाना है, भैया गाड़ी खरीदूंगा ना, एक ड्राइवर कम से कम मिल जाएगा क्या। ठीक है, मुझे तो बड़ा बड़ा बाल रखने का शौक है, लेकिन क्या करूं, जब भी थोड़ा सा बड़ा होता है तो सुजैदा इधर से चिल्लाने लगते हैं, पृथ्वी राजा चिल्लाते नहीं, इसे बोलते हैं आंख डाल डालते हैं, लगता है बाहर आ जाएगा भाई, डर के मारे छोटा कर लेता हूं। ठीक है, अब क्या है, अब तो भाई छुट्टी मिल गया।